नमोवा मित्रों, आज का यह दूसरा चलचित्र है। पहला चलचित्र सवेरे जो मैंने बनाया था, जो मुझे जानकारी मिली थी, जो कुछ लोगों ने चलचित्र भेजे थे उनके आधार पर, और जो विकास दिव्य कीर्ति का वक्तव्य था उस पर मैंने कहा था इस पर इसका प्रमाण प्रस्तुत होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और यदि प्रमाण नहीं है तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे लल्लन टॉप पर उनका जो साक्षात्कार है उसकी कड़ी भेजी और मैंने वह देखा, तो उन्होंने अपनी ओर से प्रमाण तो प्रस्तुत किए हैं, तो इतना तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने जो कहा है वो कुछ किसी आधार पर कहा है और रामायण से, महाभारत से, उत्तर रामचरित से उद्धरण भी दिए हैं। तो मैंने जैसे कहा था, यदि प्रमाण आते हैं तो मैं इनकी समीक्षा करूंगा और यदि प्रमाण नहीं है तो वे क्षमा मांगे। तो उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, तो अब मैं समीक्षा इसकी करता हूं। जो जिस वचन की बात है मैं उसी पर अपनी चर्चा सीमित रखता हूं, समय का अभाव है। जो उन्होंने हंसते हुए और कुछ ऐसे जैसे उपहास करते हुए कहा था, महिलाएँ बैंड बजा देंगी और ये कर देंगी, इस उपहास के प्रसंग में उन्होंने कहा था जैसे कुत्ते के द्वारा चाटे हुआ घी कोई नहीं, इसका भोग कोई नहीं करता, वैसे मैं अब तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए अयोग्य हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो, ऐसा श्री राम ने सीता जी को किसी रामायण में कहा है। क्योंकि किसी रामायण में कहा है ऐसा कहा था, तो मैंने महाभारत का मुझे ध्यान आया नहीं, रामोपाख्यान है महाभारत में और उसमें यह वचन आता है जो उन्होंने अपने वीडियो में दर्शाया है। तो वह आता रामोपाख्यान पर्व में और यह जो महाभारत का द्वितीय खंड है वन पर्व में 291वां अध्याय, और इसमें वह श्लोक आता है, सुवृत्ताम असुवृत्ताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर यथा। तो इस श्लोक को हम आइए समझते हैं, थोड़ा इसकी समीक्षा करते हैं। अनुवाद तो गीता प्रेस ने दिया है, अनुवाद बहुत बार भाव को प्रकट नहीं कर पाता, अनुवाद एक सरल अनुवाद कह सकते हैं इसको। तो मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। तो यह गीता प्रेस का अनुवाद है। चलिए तो अब इसकी थोड़ी समीक्षा करते हैं। ये प्रसंग, जैसा मैंने पिछले चलचित्र में भी कहा था, जो वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में मैंने कहा था, पर यहाँ भी वही वैसा ही संदर्भ है। यह जो प्रसंग है करुण रस का प्रसंग है, और इसके पहले भी यदि देखें तो शंका आती है। तो वह श्लोक है वन पर्व 291वां अध्याय और 10वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, उवाच रामो वैदेहीं परामर्श विशंकितः, परामर्श विशंकितः। तो श्री रामचंद्र के मन में संदेह हुआ, संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हैं, ऐसा गीता प्रेस का अनुवाद है। शंका का भाव कब आता है? देखिए, जैसे मैंने कहा था, रामायण को, भवभूति को, वाल्मीकि को, व्यास को, इन काव्यों को समझने के लिए थोड़ा साहित्य में जो रसों की समझ है वह आवश्यक है। भरत का नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, उसका 6ठा अध्याय आप पढ़ लें, तो ये मेरे पास 4 खंडों में प्रकाशित है, चौखंबा से उपलब्ध है, 6ठा अध्याय पढ़ लें, हिंदी अनुवाद है बड़ा अच्छा इसमें, बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का, तो रसों की आपको जानकारी मिलेगी। तो रसों के विषय में एक बड़ी रोचक बात है, रोचक बात यह है कि श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव रति है, प्रेम है, जिससे प्रेम हो रति हो उसके प्रति श्रृंगार रस के भाव प्रकट होते हैं, और श्रृंगार रस में संचारी भाव आते हैं। संचारी भाव अर्थात जो कुछ समय के लिए भाव आते हैं। देखिए, स्थायी भाव श्रृंगार का रति है, प्रेम है श्रृंगार रस का, और जो विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, दूर रहने का, जो सीता जी और राम जी बहुत समय से दूर हैं एक दूसरे से, तो उसमें जो संचारी भाव आते हैं उसमें करुणा के आश्रय वाले संचारी भाव आते हैं, यह भरत मुनि ने लिखा है। और कौन से भाव हैं करुणा के आश्रय वाले? तो व्यभिचारी भाव कौन से हैं श्रृंगार रस के? विप्रलंब श्रृंगार के, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिंता, उत्सुकता, निद्रा आदि, यह 6ठे अध्याय में नाट्यशास्त्र में बताया गया है। तो शंका जो है वह संचारी भाव है, कुछ समय के लिए ऐसा भाव आता है, और स्थायी भाव रति है। तो इस प्रसंग को हम समझ सकते हैं जो एक साहित्य में, काव्य में, जब कवि लिखता है, व्यास भी कवि हैं, वाल्मीकि भी कवि हैं,
और भवभूति भी कवि हैं, तुलसीदास भी कवि हैं। कवि लिखता है तो कौन सा रस उस समय उस प्रसंग में है? यदि विप्रलम्ब वियोग श्रृंगार रस है दूर का, तो उसमें शंका का भाव आता है, और यही शंका का भाव यहाँ पर आया हुआ है वाल्मीकि रामायण में भी और महाभारत के रामोपाख्यान प्रसंग में भी। और जो यह जो श्लोक है, जो कुत्ते और भविष्य वाला श्लोक है, उसमें यदि आप देखें तो करुण कब करुण भाव है, करुण रस है। वहाँ करुण रस जो है उसका स्थायी भाव शोक होता है, और वही यहाँ पर पता भी चलता है। जैसे ही ये वचन कहा उस समय, अगले श्लोक में आए दारुण वचन है, कठोर वचन है, दारुण है वचन है, करुण वचन है। और इस वचन को सुनकर जो सीता जी का हर्ष है वो चला गया। क्यों? क्योंकि शोक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और यह वचन सुनकर वानर और लक्ष्मण भी मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए, क्योंकि करुण रस है, शोक है, तो यह वचन सुनकर शोक हुआ सबको। यहां पर बीभत्स रस नहीं है, जुगुप्सा का स्थायी भाव नहीं है। हाँ, यदि आप कहें यदि किसी के प्रति जुगुप्सा है तो वह कुत्ते के प्रति है ना। हविष्य तो पवित्र ही होता है, हविष्य तो हम देवताओं को समर्पित करते हैं, तो यहाँ सीता जी के प्रति करुण भाव ही माना जाएगा, करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, अर्थात श्री रामचंद्र के हृदय में शोक बहुत है, शोक बहुत है, और शोक में मनुष्य करुण बातें कहता है। शोक जब स्थायी भाव होता है तो करुण रस की बातें आती हैं, तो ये करुण बातें निकल रही है। अब तो मैं तुम्हारे साथ रहने की मेरी इच्छा नहीं है, ये करुण बात है। इसको यदि आप ऐसे कहें, यदि कोई रोते हुए कहे अब मेरी तुम्हारे साथ रहने की इच्छा नहीं है, तो वो करुण भाव है। परंतु यदि कोई इसको चिल्लाते हुए ऊंचे स्वर में कहे अब तुम्हारे साथ रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्रोध में कहे, तो एक दूसरा भाव आता है ना। तो वही बात यदि किस ढंग से कही जाए, किस रस पे आश्रित है, तो उसके अनुसार भाव दूसरा होता है। यहाँ करुण रस की बात का प्रसंग है और शोक का भाव है, तो यह बात शोक दर्शाती है, यह बात जुगुप्सा अथवा घृणा सीता जी के प्रति नहीं दर्शाती। ये श्री राम जी का जो कथन है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी बात, अवलीड शब्द के भी कई अर्थ हैं। इसके लिए हम देखते हैं आप्टिका कोश। तो आप्टिका संस्कृत हिंदी कोश मेरे पास है, और अवलीड शब्द के जो अर्थ हैं, और यहाँ का उदाहरण भी मिलता है, तो अवलीड का एक अर्थ है खाया हुआ, चबाया हुआ। और इसी प्रसंग में आप्टे के संस्कृत हिंदी संस्कृत अंग्रेजी कोश में श्वावलीढ़म हवेर यथा, यह उदाहरण है। हिंदी वाले में तो नहीं है। तो खाया हुआ चबाया हुआ को भी अवलीड कहते हैं, चाटा हुआ पिया हुआ, स्पृक्त अर्थात छुआ हुआ उसको भी अवलीड कहते हैं। स्पृक्त यहाँ अर्थ लिखा है आप्टे के अवलीड शब्द के दूसरे अर्थ में। तो और यहाँ दिखा है आलंकारिक प्रयोग भी होता है, आलंकारिक प्रयोग अर्थात इसका जिसे कहते हैं अविधा अर्थ नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं, परंतु आलंकारिक प्रयोग। जैसे नव यौवन आवलीढ़ावयवा, जिस नए यौवन से अवलीड, नए यौवन से छुआ हुआ, ठीक है ना। तो छुआ हुआ अर्थ भी है और आलंकारिक अर्थ भी है। अच्छा, एक और अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, यह भी अवलीढ़ शब्द का अर्थ है। श्वावलीढ़म शुना अवलीढ़म श्वावलीढ़म, कुत्ते के द्वारा कुत्तों के द्वारा घिरा हुआ, यह भी अर्थ हो सकता है। तो चारों ओर से घिरा हुआ, निगला हुआ, नष्ट किया हुआ। तो इस प्रकार अवलीढ़ शब्द के भी कई भाव इस श्लोक से आते हैं, न केवल कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को, पर कुत्तों से जैसे भविष्य को घेर लिया हो, यह भाव भी यहाँ पर प्रकट होता है। तो और दूसरा एक इसके पूर्वार्ध में सुवृत्ताम असुवृत्ताम वा, सुवृत्ता हो अथवा असुवृत्ता हो, अर्थात आचार विचार शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, यहाँ पर भी एक शंका का भाव है। तो शंका वही विप्रलम्ब श्रृंगार में शंका का संचारी भाव, और करुण रस जो विप्रलम्ब श्रृंगार में शंका का संचारी भाव है, वह भाव भी करुण रसाश्रयी है। तो यह पूरा प्रसंग जो है यह इसको पैथोस के रूप में, करुण रस के रूप में देखना चाहिए। और करुण रस के चित्रण में वाल्मीकि बहुत कुशल हैं। तो उनका जो शाप निकलता है, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, जो क्रौंच पक्षियों के युग्म को देखते हुए
जो उनके मुख से शाप निकलता है वह भी शोक श्लोक बनकर निकलता है और शोक भी करुण रस। तो करुण रस के चित्रण में वाल्मीकि बहुत कुशल हैं, वही चित्रण उन्होंने युद्धकांड में किया है और यहाँ भी रामोपाख्यान में भी पढ़कर करुण रस का ही मुझे आभास होता है। तो ये शोक के समय व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोलता है जो बहुत करुण होती हैं, परंतु यहाँ पर हम जो देखेंगे जुगुप्सा नहीं है, यहाँ पर बीभत्स रस नहीं है, जुगुप्सा का भाव नहीं है। इस प्रकार इसको समझने में हमें भाव समझना है। देखिए, पहली बात है श्लोक समझना है, उसका शब्दार्थ समझना है, उसके पीछे जो भाव है उसको भी समझना है। तो यह मेरा यहाँ पर कथन है, यहाँ करुण रस का प्रसंग है और इस करुण रस के प्रसंग में यह बात कही गई है, तो इसको ऐसे समझना चाहिए, ये करुण रस के प्रसंग में कही गई बात है। और जहाँ तक आधुनिक समीक्षकों का प्रश्न है, तो वे समीक्षक जो भी समझें, जो भी कहें, परंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जहाँ तक वाल्मीकि की बात है, भवभूति की बात है, तुलसीदास की बात है, तो संस्कृत साहित्य की बात है, तो संस्कृत साहित्य का शास्त्र के बिना संस्कृत साहित्य कैसे समझा जा सकता है। और संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो रस का सिद्धांत है, जो भरत ने, जो अन्य आलंकारिकों ने दिया है, तो उसकी बातों के अनुसार ही हमें साहित्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही मुझे कहना था। जो दिव्यकीर्ति हैं, दिव्यकीर्ति जी हैं, उन्होंने अपनी बात अपने ढंग से रख दी, तो उनसे मैं सहमत हूँ। उन्होंने अपने चलचित्र में कहा भी यह है कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम वे श्री राम को मानते हैं, तो चलिए इस बात का तो स्वागत है। उन्होंने जो इस लल्लन टॉप के साथ साक्षात्कार में कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम वे श्री राम को मानते हैं, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और जो उन्होंने हास्य में कक्षा में बात कही है, तो इसको इसकी अनदेखी ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका वह प्रसंग नहीं है जैसा प्रसंग वे समझा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत ऐसी बात नहीं है जो बात कह देने से जीभ कट के गिर जाए और बहुत बुरी बात है, जो उन्होंने एक अपने साक्षात्कार में कहा, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया खराब बात, ऐसी बुरी बात नहीं है। यदि आप करुण रस को समझेंगे तो इसमें बुरा नहीं है कुछ, ये करुण बात है, यह कठोर बात है। तो वाल्मीकि यहाँ व्यास ने भी रामोपाख्यान में मार्कंडेय जी ने जो रामोपाख्यान सुनाया है युधिष्ठिरादिकों को, तो वहाँ ततःसा सहसा बारा तच्छ्रुत्वा दारुणम वचन, कठोर वचन कहा है, बुरा वचन नहीं, दुर्वचन नहीं कहा है, दारुण वचन कहा है, दारुण वचन कठोर वचन है, कठोर वचन है, शोक उत्पन्न करता है, करुण वचन है, यह बुरी बात नहीं है। और समीक्षक भले जो भी सोचें, परंतु मेरा तो यही मानना है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। फिर किसी विषय पर आपसे फिर चर्चा होगी। नमोवा।